हाय गाइस, इट्स 5:51 AM। तो हम जा रहे हैं, हमारे जो वेकेशन है, ग्रुप वेकेशन, तो उसी की तैयारी में हम जल्दी उठ गए। तो मैं तैयार हो चुका हूँ, पिया बैठी है वहाँ पे। दीपिका कहाँ पे? दीपिका 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 है, इधर बैठी है। देखिए, मैं अभी थोड़ी सी बिजी हूँ क्योंकि मैं जा रही मॉर्निंग वॉक। नहीं, अभी हमारे लाइक सिचुएशन बहुत ही खराब है। हम लोग ठीक से सो, एक्चुअली वो दोनों ठीक से सोई है, मैं छोड़ के। ए चुप करो, एक घंटा अच्छा। ये झूठ है, जब से मैं झूठ क्यों बोल रहे आई हो? वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट आई यू वाज नॉट आर। स्लीपिंग। यस यू वर, यू नो आई वर, यू वर। और शुभो 5 मिनट में सो गया, पता है? हाँ, शुभो 5 मिनट में सो नहीं, एक्चुअली मुझे नींद आता है 12 12:30 के बीच। अगर तब मैं सो जाऊँ तो नींद आएगा, अगर ना सो तो तब मैं जाके दो नींद बजे आएगी। सोई हूँ और 2:45 से प्यू मुझको कॉल करके डिस्टर्ब कर रही है। मैंने एकदम प्यू तो 10 बजे सो गई थी और वो फिर से उठी थी, तो मैं एकदम, मैं क्या बोलूँ, मैं बिना सो ही रही हूँ अभी तक। अच्छा, अगर पास में छोड़ो वो डार्क बात है सर्कल हो गया है। छोड़ो, मैं सिंगल है इसलिए जल्दी सो गया, जगे रहने का कोई कारण नहीं मिला मुझे। नहीं, मैं सिंगल हूँ, मैं कुछ कुछ काम नहीं किया बस। हाँ, सो थी और पिया मुझसे दूरी थी। हाँ, अच्छा ठीक है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, बाय। बाहर निकल के हम फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करें। हेलो गाइस, तो ये है हमारा दिघर का ग्रुप, इधर देखो। और ब्लॉग 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 हाय गाइस, अब पिया में इतना एनर्जी सच में। नहीं, मेरा तो दुगना एनर्जी है, एक तो ले गायन कंपनी से रिजाइन और दूसरा दीघा। एक्चुअली अभी 6:25 हुआ है, लेट है। हाँ, पियू सारी रात जाग के एक बॉयल की है और कुछ स्नैक्स। सारी रात जाग के कुछ नहीं, 2 बजे तक सोई है, उसके बाद उठी है। सबको डिस्टर्ब कर, जब जब सब लोग सोने गए वो उठी है। कॉल हेलो गाइस, तो फाइनली हम दीघा पहुंच चुके हैं। जस्ट रिसेंट मन जस्ट अभी अभी हमने लॉग इन किए होटल में। तो देखिए हमारा होटल का जो रूम है, यहाँ पे पीयू बैठी है। तो 3 रूम लिया गया है, दो दो करके, तो 6 हम लोग हैं। तो मैं और पीयू ये रूम शेयर करें, चलिए दिखाते हैं हमारा रूम। ये है हमारा टीवी, ऊपर है एसी, वॉशरूम इधर है, मतलब एंट्रेंस वहाँ पे मेरे पीछे दूसरी तरफ है वॉशरूम। और वॉशरूम का कमाल ये है, देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बाथटब है जो कि मेरा फेवरेट है नहाना। और दीपिका या फिर ग्रुप के किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पे बाथटब है, अगर पता चले तो ये रूम वो छीन लेंगे हमसे। तो मैंने और प्यू चुप करके ठान लिया कि किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि बाथटब बाथरूम कोई नहीं चेक करेगा, तो मेरा फेवरेट है नहाना। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे तक बाथटब में बैठा रहूँगा आज तो पूरा दिन। तो यहाँ पे दीपिका आ गई है, देखिए यहाँ पे आ गई है। शुभ का रूम है, शुभ को लेकर मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि पीयू बहुत हॉर्नी है। बाप रे, यहाँ का ब्लैंकेट और एक ही सोफा है जो पीयू ले रहा है, पता नहीं शुभ कहाँ पे बैठेगा। मैं वही नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है अभी तक। बाय, फोन चार्ज में देके जाओ। आ गए हैं यहाँ पे होटल, ये हमारा रूम है मेरा और पिया का, ठीक है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अब मैं दिखाती हूँ शोनू, शोनू कहाँ पे रह रही है। यहाँ पे शोनू और मोंटी रहेगी, एक ही टाइप है, पास पास में है। और पीयू पीयू एंड शुभ का रूम थोड़ा सा दूर है। और पता है क्या होटल में क्या क्या हुआ, बोलो क्या कारनामे हुआ? मैं तो झगड़ रही थी सबसे। दो वैक्सीन नहीं होगा तो रैपिड टेस्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पर आके। तो हम लोगों को होटल वालों ने फ़ोन किया था, दीपिका ने, तब बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, हम लोगों के होटल में किट है, तो आप लोग आइए यहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाइए, फिर रिपोर्ट आ जाएगा कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आए हैं तो स्टाफ लोग बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अभी अभी किट आया है, तो आप लोगों को पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तब दीपू ने उसको फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया और स्टाफ लोगों को अभी तक फाइनल काउंटडाउन है। आज इस बेड सोनू सोई, सोनू अभी तक नहीं नहाई है। और पीयू और क्या कर रही है दोनों मिलके, हॉर्नी। ए मॉर्निंग, फिर एक्स्ट्रा
हेलो गाइस, तो फाइनली हम रूम पे पहुंच गए। सभी लोग फ्रेश होके यहाँ पे बैठे हैं। फाइनली बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ है। ग्रुप में कहीं पे घूमने आ रहे हैं, घूमने आए हैं दो दिन के लिए, टू नाइट ट्रिप। एसी बस में भी इन दोनों को सफोकेशन मोशन सिकनेस हो रहा था। एसी बस में ये दोनों क्यों का पता नहीं, हम लोग ड्राइवर के सेक्शन में थे, क्या हो गया, बाहर निकल गए थे। हां वाह, बहुत ही अच्छे से आए मैं और व्यू, बहुत गर्मी था वहां। नहीं फिर भी वो सब ड्राइवर के पास बैठे हुए थे। गाइस अगर पैसा बचाना चाहते हो तो नॉर्मल बस में आओ, एसी बस में इन दोनों को बहुत सफोकेशन, तो ये दोनों बाहर ही निकल गए। नहीं हम ना मजा आया, आगे भी आपको ब्लॉग मिलेगा सी बीच पे जाके। तो टिल देन हम लंच करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं क्या लंच करें। बाय। तो हमारा लंच आ गया है। एक्चुअली हमने लोगों ने बहुत ज्यादा ही जर्नी किया आज, तो सोचा कि वेज खाए, और एक है हमारे पास, तो हम लोगों ने वेज थाली होटल पे ऑर्डर किया है, तो अभी टेस्ट करके हम बाद में बताएंगे कैसे है। वी आर सो हंग्री, शुनू तो खाना ही देख रही है, खाने को जो कुछ नहीं देख रही है, शुनू सोच रही है इतना कुछ मैंने कभी नहीं खाया, घर में सिर्फ बॉल मची खाती है। एंड कैमरामैन विल बी कैमरामैन यहाँ पे। मैं व्लॉग का जो मैं हूँ शुभ, आप समझ रहे हो मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं हूँ यहाँ पे। और ये है इनविजिबल हो, हाँ हाँ, ये यहाँ पे वेज थाली हमने ऑर्डर किया है एज दीपिका से। हाँ छह लोग, चार थाली मत समझिए। अच्छा रीजन ये है, मेरा डेली डिले का रीजन हमारा बाथटब है, इसलिए यहाँ पे मैंने, इसलिए वो लोग यहाँ पे मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो नहाना में सीरियसली रहता हूँ, तो दिस इज मी, और यहाँ पे भी आप मुझे देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे सभी आ रहे हो, थोड़ा इधर देख के हाय बोल दो, ठीक है। खाने के बाद फिर से हम ब्लॉग करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल मिलते हैं खाने के बाद। अच्छा तो गाइस ग्रुप के ज़्यादातर लोग अभी सो रहे थे, मतलब इवनिंग लंच के बाद, आई मीन आफ्टरनून पे। तो मैं और पीयू निकले अकेले उन दोनों लोगों से पहले, अभी 4:30 और देखिए यहाँ पे सी साइड। टीम के बाकी सब कितना अच्छा लग रहा है, टीम के बाकी सब अभी लंच करके सो रहे थे, और मैं और पीयू यहाँ पे निकलने आ गए घूमने। देखिए यहाँ पे अभी आई थिंक हाई टाइड है, इसीलिए पानी यहाँ तक आ रहा है, कुछ देर बाद लो टाइड हो जाएगा। वाह देखिए ऊपर तक आ रहा है, मैं पीछे वाला कैमरा घुमाता हूँ आप सब। देखिए ये है दीघा का ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है आज का, मतलब आसमान भी साफ है। और देखिए बीच कितना, मतलब कोरोना के वक्त भी थोड़ा बहुत क्राउडी अभी है, तो हम दोनों यहाँ पे मास्क पहन के घूम रहे, तो प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है, प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए। हाय गाइस, मतलब कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लायक नहीं, हमारा पूरा एक घंटा वेस्ट हो गया, करने के बाद हम सब निकले हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मेरे नोज पे लगा है, पिया का सूज, पिया को नहीं लगा, मुझे लगा एक्चुअली। आई वाज लाफिंग, मैंने उधर अंदर जाके ना, मैं ही सिर्फ अकेली हूँ शायद, इतना हंस रही थी, वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि ये हंस क्यों रही है, क्योंकि इतना फनी है वो सिस्टम, नोज पे डाल के ऐसे घूम रहे थे, घुमा रहे थे, इट वॉज फनी। बट हाँ हम लोग नेगेटिव है। हाँ वही अच्छा है, वही शुक्र है, हम छः लोग हैं।
तीन ये सामने जा रहे हैं, छह में से छह ही नेगेटिव निकले। अच्छा है, अगर पॉजिटिव होता तो पुलिस आकर हमें उठा ले जाती एज पर देयर। होता नहीं, नहीं बोला है, सुबह दो लोग को लेके गए, वो बोल रहे थे। ठीक है, हम लोग सीवेज जा रहे हैं। देखिए पिया को पहली बार कितनी हॉट लग रही है, आप कमेंट कीजिएगा। सुनो ये है बाबली, मतलब क्या कैसा ये प्यार है कि जो प्यारी विलेन थी ये थी। अभी मास्क हम उतारना नहीं चाहते। ये है प्यू, हम इसे बहुत ऑफर करते हैं जैसे कि बिग बॉस करते हैं, बट कभी ना हाँ नहीं बोलते, इसका डिमांड बहुत हाई है, कभी हाँ नहीं बोलते शूट के लिए। ये है सुनो, इसे तो आप जानते ही होंगे, आप सभी लोगों का क्रश। आपने इन्हें मतलब क्या था ट्विस्टेड लव में देखे थे, ट्विस्टेड लव में थी ये और कैसे ये प्यार में भी है। तो अभी रात हो चुका है, तो बाकी ब्लॉग आपको कल सुबह वीडियोस होगा उसके बाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टे ट्यून, हम अभी इवनिंग का अभी कितने बजे, अभी 7:01, तो बाय गाइस, हम इंजॉय करेंगे सी साइड पे, हम जा रहे हैं। बाय।